हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे टाटा मांजा की। एक्चुअली इसका जो फैन बेल्ट है वो टूट चुका है, और जो टेस्नर की जो पुली होती है वो भी टूट चुकी है। मैंने इसका टेस्नर निकाल लिया है। वैसे हम इसे बिना निकाले भी वहीं पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसकी पोजीशन होती है, मैं आपको नीचे से बताता हूँ क्लियर। ये देखिए, ये यहाँ पर लगी हुई होती है, और आपको स्टेशन बताता हूँ कि क्या कंडीशन है। और हमारा जो पुली टूट चुकी है उसका बेयरिंग उसी में रह चुका है। हम उसके बेयरिंग को रिमूव करके नई पुली हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसका बेयरिंग है, तो हम इस बेयरिंग को रिमूव करेंगे और हम इसका फैन बेल्ट भी नया डालेंगे। एक्चुअली मारुति सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं डीजल स्विफ्ट स्विफ्ट में भी हम इसी प्रकार से इसका बेल्ट हम चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों की सेम प्रोसेस है। और ये जो क्वार्टर जेट इंजन है ये भी स्विफ्ट के इंजन जैसा सेम है। ये इसका फैन बेल्ट है, ये इसका फैन बेल्ट नंबर है, और ये है इसकी पुली जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। फैन बेल्ट जो होता है वो हमेशा नंबर से आता है। हम स्टेशनर को पहले लॉक करेंगे, और हमने ये जो पिन लगाई है जब हम इसे पूरा वहाँ पर फिट कर देंगे, देन बेल्ट लगाने के बाद हम इस लॉक को रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा जो बेल्ट होगा वो टाइट हो जाएगा। हमने इसकी लॉक लगा चुके हैं, वो एक बार हम उसे चेक कर लेंगे, प्रॉपर लगी हुई है। देन अब हम इस स्टेशनर को वापस वहीं से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे, और बेल्ट ये देखिए मैंने हमने इसे लगा दिया है, फिट कर चुके हैं। ये वाला ये रोलर है जो हमने इसको बेल्ट को चढ़ा दिया है, हम इसे चेक कर लेंगे कहीं से आउट तो नहीं है। अगर आउट होगा तो हमारा बेल्ट फिर से टूट जाएगा या कट जाएगा। अब हम इस लॉक पिन को निकालेंगे, तो ये देखिए हमने लॉक पिन निकाल दिया, और हमारा जो बेल्ट है ये देखिए टाइट हो चुका है। अब हम इसकी टाइटनेस चेक कर लेंगे। हम हमेशा जो बेल्ट की टाइटनेस होती है वो ऊपर से चेक की जाती है। ये टाइट हो चुका है। हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फैन बेल जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है।